हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आप सबकी क्वारीज के अकॉर्डिंग एक ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज कर दिया गया है, कॉलेज एडमिशन डॉट ऑनलाइन। ठीक है, इसके ऊपर जैसे विदिन 24 आवर्स काउंसलिंग की सारी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट पोर्टल, पेमेंट गेटवे सब कुछ क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आपको पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वेबसाइट पे, और आप यहाँ से काउंसलिंग की फीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं इजीली, और डिटेल्स भी गेट कर सकते हैं। रिसिप्ट वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो जिन बच्चों को ट्रस्ट नहीं था कि जैसे हम गूगल पे फोन पे नहीं कर सकते, ठीक है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान और भी है कि जैसे जो भी प्राइजेस थे 40,000, ठीक है, 20-45 के, उसको भी जस्ट डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और जितने भी सारे प्लान थे सबको 20,000 के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, तो जस्ट चॉइस फिलिंग वगैरह ओनली फॉर 20 के अंदर ही रख दिया गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट एडमिशन विद कॉलेज इन दिस 20K ओनली। ओके बच्चों, देन उस 20K के अंदर ओनली फॉर चॉइस फिलिंग ही नहीं की जाती आपकी, सिर्फ आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है। ठीक है, एडमिशन की गारंटी है, चाहे वो CS ब्रांच हो या कोई सा भी ब्रांच हो, रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग के जरिए आपको एडमिशन मिलता है। और अगर बाई चांस 99% चांसेस है कि एडमिशन आपको मिल जाएगा, 1% चांसेस है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि आई एम नॉट ए गॉड। ओके बच्चों, तो 99% पे तो 99% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कम नहीं होता। ओके, तो अगर आपका बाई चांस अगर नहीं भी होता है, आप अपना जो सेकेंड प्लान रखें, और अगर बाई चांस अगर नहीं भी होता है 99% एडमिशन हो जाएगा। अगर 1% अगर नहीं भी होता है तो आपका पूरा पैसा वापस रिफंड कर देते हैं, अगर आप गूगल पे फोन पे से करते हैं तो। और क्योंकि अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो पेमेंट गेटवे के थ्रू पैसा जाता है, और उसके अंदर एटलीस्ट आपको GST देना पड़ता है। ठीक है, GST का ज़्यादा पैसा नहीं लगता, एटलीस्ट 300 से 400 रुपये लगता है, जो कि पेमेंट गेटवे ICICI, HDFC बैंक, रेजर पे वगैरह जो भी है वो काट लेते हैं हमें पेमेंट देने से पहले। तो अगर आप हमें 2,000 रुपये देते हैं, ठीक है, 20,000 अगर आप हमें देते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 300 से 400 रुपये वो काट लेते हैं। ठीक है, 3% ऐसे कुछ वो GST वगैरह काट लेते हैं अपना जो भी सारा है, और तब जाके वो हमें पेमेंट देते हैं। ठीक है, वही में वो भी काम नहीं करते। ठीक है, और चलिए अब अगला अपना जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो हम आ चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो भी एग्जाम थी वो लग चुकी है बच्चों के, एंट्रेंस एग्जाम। अब क्वेश्चन यही है कि जैसे हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर पे हो सकता है हमारा, CS कितने नंबर पे मिलेगा, तो इसके रिगार्डिंग कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि पिछले साल के अकॉर्डिंग और उससे पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो इस बार थोड़ा पेपर लेवल का था, क्योंकि NTA ने कंडक्ट किया है तो पेपर तो लेवल का होगा ही। ठीक है, तो अगर बात करें इसके प्रोसेस की, तो इसके अंदर एटलीस्ट अगर आपको UG में CS ब्रांच चाहिए, तो जस्ट आप अगर आपका 100 का पेपर है तो एटलीस्ट आपको 36 यानी 36 नंबर, ठीक है ना, 36 नंबर अगर आपके हैं तो आपको CS सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर के अंदर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, और अगर बाद में उसके बाद अगर अच्छा कॉलेज माने तो यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, ठीक है ना, यह भी बहुत अच्छा कॉलेज है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और उसके बाद ये जस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, एंड उड़ीसा डायरेक्टली हो रहा है इस बार। ठीक है, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पंजाब भी, ठीक है वैसे। ठीक है, इसके अंदर कोर्सेस नहीं है वैसे ये UG वाले। ठीक है, और तो आप जस्ट देख सकते हैं अगर राजस्थान में 36 पे हो रहा है तो एटलीस्ट एडमिशन जो लास्ट एंड मोमेंट पे जो है आप हमारी काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 0 भी आता है, 3 भी आते हैं, माइनस में भी आता है, तो भी आपका हो जाएगा आसानी से। ओके बच्चा पार्टी, तो हम जस्ट डायरेक्टली भी करवा देते हैं एडमिशन। ओके, तो आप जस्ट नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर अपन बात करें कुछ ब्रांडेड कोर्सेज की प्रेजेंट टाइम। ओके बच्चा पार्टी, तो मेरे पास एक GFTI है, PSAC पटियाला, दिस इज सिचुएटेड इन पटियाला कैंट, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी एंड जो भी इंडियन एयरफोर्स बेस होता है उसके अंदर है, एंड दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सो यू कैन गेट एडमिशन इजीली इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस। अभी भी कुछ सीटें अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, नीचे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग एडमिशन। अभी कुछ सीट्स अवेलेबल पड़ी है। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे BMS है, एयरलाइंस इंडस्ट्री है, एविनेशन है। फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसके इंस्टीट्यूट बहुत कम है। जैसे अगर बात करें तो कुछ ही, एटलीस्ट अगर अपन बात करें तो 20-25 इंस्टीट्यूट है,
ठीक है, और रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन जस्ट अभी कंपटीशन बहुत कम है। अगर अपन बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास जितने कॉल आते हैं, व्हाट्सएप आता है, मैसेज आते हैं, क्वारी जाती है, गूगल फॉर्म पे फिल जो करते हैं बच्चे, ऑलमोस्ट सारे यही करते हैं कि जस्ट हमें सी एस और आई टी चाहिए, किसी भी हाल में कितना भी डोनेशन लग जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस दूसरा जनरेशन को समझिए, ठीक है, सी एस आई टी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इफ़ यू आर ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट देन यू गेट एडमिशन, ठीक है, एडमिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जस्ट इसमें डायरेक्टली ले सकते हैं एरोस्पेस एरोनॉटिकल में एडमिशन, ठीक है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड इट्स वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, एंड दिस इज माई कॉलेज। ओके बच्चा पार्टी, ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। यू कैन गेट माई प्लान सब्सक्रिप्शन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दो कर दो, और घंटा घंटी का काम कर दिया होगा तुम लोगों ने। ओके, थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय।